हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मैं आज एक बहुत हेल्दी चटनी बनाना बताऊंगी। इंडिया में खानों में चटनी, अचार, पापड़ और सलाद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, और ये सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, करी लीव्स में मेडिसिनल बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये करी लीव्स और मूंगफली दाने से मिला के हम चटनी बनाएंगे, जिनमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी हेल्थ के लिए हैं। लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू का रस, मूंगफली दाना, ये मैंने आधा कप लिया है। आप मेथड देख लीजिए, बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। इसको बना के आप फ्रिज में इजीली रख सकते हैं, और ख़त्म होने तक, जब तक ये ख़त्म ना हो, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, चाहें तो थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं इनको। मूंगफली भुन गई है कि नहीं, इसका साइन है कि इसके छिलके थोड़ा अलग होने लगेंगे, ये स्प्लिट होने लगेगी और आपको इसमें चट चट सी आवाज़ आने लगेगी, क्योंकि कुदरती तौर पे ये छिलकों के साथ ही होती है। इसलिए मैं छिलके अलग करने के फेवर में नहीं रहती हूँ, अगर आप चाहें तो अलग कर लें। मिक्सर में मैंने मूंगफली डाल ली है, ये हरी मिर्चें धो के डाल लीजिए, हरा धनिया डाल लीजिए, क्योंकि ये करी लीव्स इसमें प्रोमिनेंट इसका फ्लेवर भी रहता है, और हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यूज़ करेंगे, तो हम करी लीव ज़्यादा दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेश वाली कोमल जो रहती है उसको हमें ज़्यादा यूज़ करना है। लहसुन की कलियाँ हैं 7-8, सॉल्ट और नींबू का रस हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये पिस गई है चटनी। अब इसमें हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि हमें सही अंदाज़ा हो जाता है कि कितना नमक लगेगा। और ये है नींबू का रस। नींबू का रस तो ज़्यादा भी होता है तो बहुत टेस्टी ही लगता है, और ये एक बड़े नींबू का रस है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में करके इसे आप फ्रिज में रखिए और खाने के साथ इसको इंजॉय करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, मीठी नीम और मूंगफली की बहुत हेल्दी चटनी तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, और ये टिफ़िन में भी सब्ज़ी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और सीखिए कुछ ऐसी ही सिंपल सी रेसिपीज़, और अपनी कुकिंग को एंजॉय कीजिए। और अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए।